नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रीय कवि मैथिली शर्ण गुप्त की कविता उद्बोधन के बारे में बात करेंगे। प्रस्तुत कविता श्री मैथिली शर्ण गुप्त जी की काव्य कृति भारत भारती के भविष्यत खंड में संकलित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारतवासियों को उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हुए उन्हें पहले जैसा यश, गौरव और सम्मान प्राप्त करने की बात कही है। भारतवासी जो प्राचीन काल में अपने शील, शुद्ध आचरण और वैभव के लिए संसार भर में सम्मानित थे, आज उनके ये सभी गुण नष्ट हो गए हैं। कवि का मानना है कि ऐसा भारतवासियों के सदियों तक प्रतंत्र रहने के कारण हुआ है। कवि भारतवासियों को याद दिलाते हुए कहते हैं कि तुम कभी संसार के गुरु बने थे, लेकिन आज तुम्हें शिष्य बनने की योग्यता भी शेष नहीं रही। यहाँ कहने का भाव ये है कि कभी तक्षशिला और नालंदा में विश्व भर से लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारतवर्ष में आते थे, किंतु आज हमारा देश शिष्य बनने की योग्यता भी बाकी नहीं रख पाया। भारतवासी जो सबसे आगे चला करते थे, आज उनमें पीछे चलने की योग्यता भी नहीं बची है। कवि चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यदि अभाग्यवश अब भी तुमने अपनी हालत ना सुधारी, तो समय का कठोर चाबुक तुम्हें मार मार कर तुम्हारा नाम तक मिटा देगा। इसमें कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, भारतवासियों का जीवन रूपी दीपक अब टिमटिमाता दिखाई पड़ता है, अर्थात बुझने के करीब है। क्या भारतवासियों का सर्वनाश निकट है? क्या आप उनकी रक्षा नहीं करेंगे? इसमें हम इस कविता के सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले इसका प्रथम पद्यांश लेंगे। हत भाग्य हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहां, वैशील शुद्धाचार वैभव देख अब क्या है यहां। क्या जान पड़ती वह कथा अब स्वप्न की सी ही नहीं, हम हो वहीं पर पूर्व दर्शन दृष्टि आते हैं कहीं। हत भाग्य का मतलब दुर्भाग्य। हिंदू जाति किसको कहा है? हिंदुओं की जाति अर्थात हिंदुस्तान के लोग। तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ? पूर्व दर्शन का मतलब पहले जैसा दर्शन, पहले जैसा तुम्हारा वो रूप कहाँ है। कि हे हिंदू जाति, हे हिंदुस्तान के लोगों, हे दुर्भाग्य लोगों, अब तुम्हारा जो पूर्व दर्शन है, जो तुम्हारा पुराना जो तुम्हारा रूप है, वो कहाँ चला गया है। वह शील, वह शुद्ध आचार, शुद्ध आचार का मतलब कि तुम्हारा आचार व्यवहार और तुम्हारा शील वैभव, वैभव का मतलब संपत्ति, कि तुम्हारी संपत्ति देख अब क्या है यहाँ। क्योंकि एक समय था कि इस भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतना वैभवशाली ये देश था। लेकिन कवि यहाँ पर कहता है कि अब तुम्हारा वो शील का स्वभाव, वह तुम्हारा शुद्ध आचार व्यवहार, वह वैभव संपत्ति देख अब क्या है यहाँ। कि अब यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या जान पड़ती वह कथा अब स्वप्न की सी ही नहीं, कि अब तुम्हें वह कथा स्वप्न जैसी दिखाई नहीं देती, कि जैसे तुम कोई सपना देख रहे हो, वो जो तुम्हारा पुराना अतीत है वो एक सपने के समान बन गया है। अर्थात अब पुरानी बातें देखकर तुम्हें विश्वास भी नहीं आएगा कि ये सच है। हम हो वही पर पूर्व दर्शन दृष्टि आते हैं कहीं, लेकिन वो पुराने दर्शन, वो पुराना समय अब तुम्हें कहीं भी दिखाई देता है अर्थात नहीं। तो इसमें कवि ने ये कहना चाहा है कि जो गौरव गाथा जो पुराने समय में हमने सुनी है, पढ़ी है, अब उस पर भारतवासी विश्वास नहीं कर सकते। विशेष में इसमें लिखेंगे कि कवि ने समस्त भारतवासियों को संबोधित करने के साथ साथ पूरे मानव सभ्यता को भी संबोधित किया है। और जो मैथिली शरण गुप्त की जो भाषा है, साहित्यिक खड़ी बोली भाषा है, और उद्बोधन शैली, उद्बोधन का मतलब होता है नारा देना,
की उद्बोधन शैली का प्रयोग है और तत्सम शब्दावली, तत्सम जो सीधे संस्कृत से जो वर्ड्स हैं, जो संस्कृत से सीधे शब्द हमारे हिंदी भाषा में आए हैं उसको तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे कि शुद्धाचार और वैभव और शील, ये सारे जो शब्द हैं ये शब्द संस्कृत के हैं। तो संस्कृत से जो हम सीधे शब्द लेते हैं उसको तत्सम शब्द कहा जाता है। तो तत्सम शब्दावली का इसमें प्रयोग है। और अनुप्रास, पद मैत्री, स्वर मैत्री, प्रश्न एवं उपमा अलंकार इसमें विराजमान है। और इसके साथ साथ ही इसमें संगीतात्मकता का भी समावेश है। अब हम इसके दूसरे पद्यांश पर आते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं, जान लो इसका पता कि हम कौन थे, कि हमारा जो पूर्व अतीत है वो क्या था, कौन थे, इस संसार में सबसे आगे थे, क्या हो गए हैं और इस समय हम क्या हो गए हैं, हम कितने ही पतन की ओर आ गए हैं, जान लो इसका पता। अब इसका भी पता तुम्हें जान लेना चाहिए, इसका पता तुम्हें होना चाहिए। जो थे कभी गुरु, जो कि कभी इस संसार के गुरु थे, जो कि इस संसार को पढ़ाने वाले थे, इस संसार के आचार्य थे, ना उनमें शिष्य की भी योग्यता। यहाँ पर कवि बताना चाहता है कि तुम कभी संसार के गुरु समझे जाते थे, अर्थात संसार के शिक्षक माने जाते थे। कवि का संकेत यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्रों की ओर है, जहाँ संसार के विभिन्न देशों से विद्वान उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। लेकिन आज क्या है, ना उनमें शिष्य की भी योग्यता। तो आज क्या उनमें शिष्य बनने की भी योग्यता नहीं रही, अर्थात गुरु तो वो इस समय है नहीं और क्या वो शिष्य भी नहीं बन सकते, इतना ज्यादा उनका पतन हो गया है। जो थे सभी से अग्रगामी, अग्रगामी का मतलब, अग्र का मतलब आगे, गामी का मतलब चलने वाले, कि जो सबसे आगे चलने वाले थे, आज पीछे भी नहीं, कि आज कहीं पर पीछे भी दिखाई नहीं दे रहे। है दिखती संसार में विपरीतता ऐसी कहीं, विपरीतता का मतलब उल्टी बात, कि उल्टी बात इस संसार में क्या कहीं दिखाई देती है, क्योंकि जो सबसे आगे चलने वाला है वो आज पीछे भी कहीं नजर नहीं आ रहा, किसी गिनती में भी नहीं आ रहा। तो क्या संसार में इस प्रकार की उल्टी रीति जो है कहीं पर दिखाई देती है। तो इस काव्यांश में कवि ने भारत के अतीत का गुणगान किया है और भारतवासियों को अतीत से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए उद्बोधित किया है। तो इसमें भी विशेष में ये बताया जाएगा कि भाषा इसकी सरल है, सरस और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, उद्बोधनात्मकता एवं संगीतात्मकता का समावेश है और गीति शैली है और अलंकार इसमें अनुप्रास, पद मैत्री, स्वर मैत्री एवं प्रश्न का वर्णन है। तो इस प्रकार इस पद्यांश में भी कवि ने उसी बात का उद्बोधन किया है कि जो भारतवासी हैं वो पतन की ओर जाते हुए कम से कम अपने अतीत के गौरव को याद कर लें। अगले पद्यांश में अब भी ना सुधारेंगे, अब भी सुधारेंगे ना हम दुर्दैव वश अपनी दशा, तो नाम शेष हमें करेगा काल ले करकश कशा। बस टिमटिमाता दीख पड़ता आज जीवन दीप है, हा देव क्या रक्षा ना होगी, सर्वनाश समीप है। तो इसमें कवि ने क्या कहा है, एक तो सबसे पहले उसने कहा है कि भारतवासियों अब भी अगर हम अपनी दशा को दुर्दैव वश का मतलब बुरी किस्मत के साथ, कि अपनी दशा को अब भी हम अपनी बुरी किस्मत के वश में होकर अगर नहीं सुधारेंगे, अगर अपने स्वभाव में हम अब भी विपरीतता नहीं लाएंगे, अब भी इसको सुधार नहीं करेंगे, तो क्या होगा, नाम शेष हमें करेगा काल, काल का मतलब मृत्यु, समय, कर्कश कशा कठोर चाबुक के साथ ये काल जो है ये हमें मारेगा, अर्थात ये हमें सजा देगा। और बस टिमटिमाता दीख पड़ता आज जीवन द्वीप है, कि आज जो हमारे जीवन रूपी दीपक है वो टिमटिमाता हुआ, हिलता हुआ दिख रहा है। जैसे हम देखते हैं कि जो दीपक है जब वो बुझने वाला होता है तो वो टिमटिमाता है, उसकी जो लो होती है वो टिमटिमाती है। तो उसी तरह से आज जो भारतवासी हैं उनका जीवन भी एक टिमटिमाते हुए दीप की तरह दिखाई दे रहा है, जो कि उन्नति नहीं बल्कि अवनति की ओर
बढ़ता जा रहा है, पतन की ओर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर अगली पंक्ति में यहाँ पर जो मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्रीय कवि की संज्ञा भी दी जाती है, तो वो कहते हैं, हा देव, देव का मतलब परमात्मा, के हे ईश्वर, हे परमात्मा, क्या रक्षा ना होगी, सर्वनाश समीप है, कि क्या अब भी तुम रक्षा नहीं करोगे, क्योंकि सर्वनाश, इस देश का जो सर्वनाश है, पूरी तरह से विनाश होने वाला है, वो समीप है, तो कृपया जो भारतवासी हैं उनके ऊपर दया करो और उनकी रक्षा करो। तो कवि यहाँ पर चिंता प्रकट करते हुए कहता है कि हे प्रभु, क्या हमारी रक्षा नहीं करोगे, क्या हिंदू जाति अर्थात हिंदुस्तान के लोगों का सर्वनाश समीप है। तो इसमें विशेष में हम लिखेंगे कि भारतवासियों को गौरवपूर्ण अतीत का चित्रांकन करते हुए उन्हें जगाने की प्रेरणा प्रदान की गई है और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया गया है और उद्बोधन शैली का यहाँ पर प्रयोग है और दोबारा संगीतात्मकता का पूरी तरह से समावेश इस पद्यांश में भी किया गया है। अनुप्रास, पदमैत्री, रूपक एवं प्रश्न अलंकार का इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि ने भारतवासियों को उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हुए उनसे फिर से वैसी उन्नति प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दी है। धन्यवाद।